चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें सुजलोन एनर्जी के बारे में। सुजलोन को मिल गया नया एमडी, माय गॉड लग गई लॉटरी 5 मिनट पहले, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास में सुजलोन एनर्जी का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सुजलोन है जो 7 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग दी है अब, और सामने इसका राइट इशू आ रहा है 11 से 20 तारीख को, 11 से ओपन हो रहा है, 20 को क्लोज हो रहा है। बट इसके बीच में है इसका जो एमडी था ना सीए, वो नहीं रहा ना, तो लोगों में क्या भगदड़ मच गई कि सुजलोन का अब क्या होगा, कंपनी को कौन आगे बढ़ा लेके जाएगा। तो लोगों ने क्या है, दबा के माल सेलिंग किया था, बस यही हुआ है। और राइट इश्यू के कारण भी शेयर है अप डाउन होता है, बस यही न्यूज थी कि लोग डर रहे थे। बट अब है जो कुशिया लौट के आ गई है दोस्तों, कैसे कि सुजलोन का है नया एमडी मिल गया। सुजलोन अपॉइंटमेंट विनोद को सीएमडी, यानी कि जो पहले वाले सीए थे ना, उनके ये भाई हैं, और यहाँ पे इन्होंने सुजलोन का विनोद को, विनोद जी को है अपॉइंटमेंट कर दिया सीडीएम। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल से। देखो सुजलोन ने विनोद और तांति को 3 साल के लिए सीडीएम नियुक्त किया गया है। देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों कि अब सुजलोन के नए एमडी है जो, देखो विनोद तांति को अपॉइंटमेंट सुजलोन का, ध्यान रखना कि सुजलोन का नया एमडी है, विनोद जी को अपॉइंटमेंट कर दिया है। दूसरी बात, इसका देखो राइट इशू आ रहा है, मैंने रात को भी वीडियो बना के बताया था, वो वीडियो फुल आप वॉच कर लेना, पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, सभी लोगों का क्वेश्चन है राइट इश्यू के संबंधित कि भाई हम जो आरी शेयर आएंगे उनको सेल कर दे, पैसे कमा ले फिर राइट इश्यू अप्लाई कर देना ना दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। सभी का क्वेश्चन ये है कि भैया उनको हम सेल कर दे फिर राइट इश्यू ना। देखो जिनको राइट इश्यू अप्लाई करना है वो आरी शेयर है उनको हाथ नहीं लगाया, वो वैसे भी वैसे रहेंगे। और राइट इश्यू जिनको अप्लाई करना है वो आपके जीमेल में एक साइड आएगी, वहाँ से होगा। और जिनको सेल करना है वो डीमैट अकाउंट से सेल कर दे उन शेयरों को, बस यही है और कोई रीज़न नहीं है। देखो ध्यान रखना कि अगर आप गलती कर दोगे, बट मैं फिर बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसा करते हैं, हर बार करते हैं। जो सुजलोन के आरी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे ना, उनको आप बिल्कुल भी बाय मत कर लेना। अगर आप बाय करते हो तो सारे पैसे गायब हो जाएंगे, वो 5-10 दिन के लिए ट्रेड होते हैं, फिर वो अपने आप गायब हो जाएंगे आरी शेयर। तो उनको आपको बिल्कुल भी है जो बाय नहीं करना डीमेट अकाउंट से, कहीं आप सोचो कि सस्ते में मिल रहा है बाय कर लिए, या फिर राइट इश्यू यहीं से अप्लाई होगा, ना सबसे बड़ी गलती वही हो जाएगी। राइट इशू जिनको अप्लाई करना है वो आपके जो मेल आएगा, उस जीमेल है, उस मेल में आपको एक मेल आएगा कंपनी की तरफ से, उसमें साइट आएगी, वहाँ से आपको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। राइट इशू अप्लाई करने वालों को वहाँ से अप्लाई करना है। बट जिनको राइट इशू नहीं अप्लाई करना है, फ्री में पैसे लेना है, तो आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें आरी शेयर आएंगे ऑफर में, फ्री में, किसी के आगे हैं किसी के नहीं आए हैं, तो 11 तारीख तक सबके क्रेडिट हो जाएंगे। बट आगे तो भी अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है, बट वो ट्रेड 11 से ही होंगे, तो जब आएंगे तो उनको सेल करना है। अब वो कितनी प्राइस में आएंगे और कब तक इनको होल्ड करना है, देखो दोस्तों हर बार ऐसा हुआ है, अगर मान लो राइट इशू का शेयर एग्जांपल 2 रुपए पर आता है या 5 रुपए पर आता है ना, तो वो शेयर 60 पैसा, 90 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए पर ही ट्रेड होते हैं, और उसी दिन या तो वो 5-10 पैसे ऊपर जाते हैं या फिर लोअर सर्किट में लोक हो जाते हैं। लेकिन हर बार लोअर सर्किट में लोक होता है वो शेयर, तो आपको गलती नहीं करनी है। थोड़े से लालच में 11 तारीख को जैसे आरी शेयर आपको ऑफर में मिले, जिनको राइट इशू नहीं अप्लाई करना है, जो भी उनकी करंट प्राइस चल रही होगी ना, उन पर आप मार्केट प्राइस पर उनको सेल करके जो पैसे आते हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बस यही होता है। क्योंकि वो फिर वो लोअर सर्किट में लोक होते हैं, नीचे नीचे चले जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि कहीं आप लोग सोचो कि भैया मान लो 1 रुपए पर आ जाए, 90 पैसे पर आ जाए, 2 रुपए पर आ जाए और खरीद लेंगे, ना ना दोस्तों गलती करो। अभी कोई फिक्स नहीं है कितने पर आएगा, लेकिन हर बार ये मान लो अगर 2 रुपए का कोई शेयर अलोटेड होता है तो वो 60 पैसे 90 पैसे में आता है, क्योंकि उतना आपको नहीं देती है कंपनी कि भाई 5 रुपए में एलोटेड हो रहा है तो 5 रुपए में वो आपके अकाउंट में आएगा, ना ना कंपनी कंगाल हो जाएगी। ऐसे तो ऐसे इतना नहीं होता है, वो 1 रुपए के नीचे नीचे है, 2 रुपए के नीचे नीचे इनकी प्राइस आती है, बट आपके कितना यूनिट आपने ऑफर में मिला है वो आप सिलेक्ट कर देना। और जैसे ही 11 तारीख आएगी मैं लाइव और करके बता दूंगा, और किसी भी अगर कोई भी और क्वेश्चन आपका राइट इश्यू संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।